आज इस वीडियो में आपको बताने में कैसे आपको मोटोरोला 850 अल्ट्रा में प्रोफेशनल कॉल सेटिंग्स आपको कैसे करनी है। कॉल सेटिंग्स में मैं काफी सारे फीचर्स आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे कॉल अनाउंसमेंट, जो कि आपका कॉल आएगा तो आप बताया कि नेम, किनका नेम से कॉल आ रहा है, किसका नंबर से कॉल आ रहा है, ये सब सारा मैं सेटिंग्स बताऊंगा। और साथ ही में और प्रोफेशनल से यहाँ पे आपका स्पैम कॉल ऑटोमेटिक ब्लॉक कैसे करना है, मैं सारा आपको सेटिंग्स प्रोफेशनल तरीके से आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और लीजिए तो अपने फोन डिस्प्ले करना, सिंपली यहाँ पे कॉल वाला एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद थ्री डॉट ऊपर में दिख रहा हूँ, तो सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिख रहा है, कॉल हिस्ट्री, सेटिंग्स, हेल्प एंड फीडबैक। तो सिंपली सेकंड पे क्लिक कीजिएगा, सेटिंग्स पे, तो सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, कॉलर आई डी एंड स्पैम कॉल जनरल में बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए। तो सारा मैं बेस्ट सेटिंग्स आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो सिंपली फर्स्ट में कॉलर आई डी एंड स्पैम कॉल, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इससे आपको इनेबल करनी है, देखिए सी कॉलर आई डी एंड स्पैम आई डी, सिंपली इसे इनेबल कर लीजिएगा। और यहाँ पे सेकंड में आपको फिल्टर स्पैम कॉल, तो सिंपली फिल्टर एंड स्पैम कॉल पे क्लिक कीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि फर्स्ट में आपको दिखाएगा, ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला, इसमें दिखाया कि यहाँ पे कौन सा कॉल आपका जेन्युइन है, कौन सा फ्रॉड है और कौन सा स्पैम कॉल है, वो आपको दिखाएगा। सेकंड में आपको फिल्टर स्पैम कॉल है, तो इसे क्या काम करेगा कि पर जब भी स्पैम कॉल या फिर फ्रॉड कॉल आती है तो वो क्या कर रहा है, कट कर देगी, वो कॉल को कट कर देगी। और कट करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे शो भी नहीं होगा और आपके पास कॉल भी नहीं आएगा, ऑटोमेटिक वो कट हो जाएगा। तो ये सेटिंग्स जरूर कीजिएगा, उसको तो बैक आइएगा। और यहाँ पे एसेसिबिलिटी करके एसेसिबिलिटी पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे इट्स दिख रहा हो तो सिंपली इसे इनेबल कर लीजिए। उसके बाद असिस्टेंट डायलिंग, इस पर क्लिक कीजिएगा। इसे भी आपको यहाँ पे अपने कंट्री के हिसाब से अपना चूज कर लीजिएगा, जो भी आपका कंट्री है इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये आपके लिए डायलिंग में काम देगा। उसके बाद यहाँ पे कॉलिंग अकाउंट पे क्लिक कीजिए तो काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर्स है, जैसे कि एक में लगा हुआ है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, तो इसको भी मैं बारी बारी से बताऊँगा। एडिशनल सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए तो बहुत सारे यहाँ पे कॉल वेटिंग हो गया, नोटिफाई इनकमिंग कॉल, तो यहाँ पे सारा का सारा आप सेटिंग्स आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बैक आइएगा, बाइक आने के बाद यहाँ पे आपको यह कॉल रिकॉर्डिंग दिख रहा हो, कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करना है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे इनेबल करनी है, सारा का सारा मैं विंडोज बना दिया हूँ। जाके आप डिस्क्रिप्शन के लिंक चेक कर सकते हो, उस पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आपका जो रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग के बाद आपको अनाउंसमेंट होती है, फिर साउंड आती है कि योर कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, उसे भी आपको बंद करनी है तो डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं। बाइक आएगा, उसके बाद डिस्प्ले ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए तो आप क्या शो कराना चाहते हैं, शॉर्ट वाई, फर्स्ट नेम, नेम फॉर्मेट या फिर चूज थीम्स, जो भी आप सेट करना चाहते हैं आप सेट कर लीजिएगा। नीचे आएगा तो साउंड एंड वाइब्रेशन, इसका भी मैं वीडियोज आपको बना दूंगा कि कैसा आप यहाँ पर सुपर रेडियो साउंड सेटिंग्स करनी है, वो भी आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे एडवांस में एक फीचर्स दिख रहा होगा, कॉलर आई डी एंड अनाउंसमेंट, तो इसलिए कॉलर आई डी एंड अनाउंसमेंट पे क्लिक कीजिएगा। इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्या करना, ओनली वेन यूजिंग हैंडेट या फिर देख लीजिए, ऑलवेज पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जब भी कोई कॉल आता है, नेम से सेव रहता है या फिर नंबर से कॉल आता है, तो नेम सेव रहेगा तो नेम बताएगा, अगर नंबर है तो नंबर आपको बोल के बताएगा, जैसे 896 इस तरह का यहाँ पे कॉल आते हैं तो वो आपको दिखेगा। और अगर नेम सो रहेगा तो आपका, जैसे मेरा नाम अमर कुमार है तो आपको यहाँ पे बताया कि अमर कुमार का इनकमिंग कॉल आ रहा है, उस तरह का आपको यहाँ पे कॉल अनाउंसमेंट आपको होगी। उसके बाद नीचे फ्लिप टू साइलेंट, इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे से इनेबल कीजिए। जैसे ही आपका फोन जैसे कहीं पर टेबल पर या फिर कहीं स्पेस पे रखा हुआ रहता है, अगर आप उसे रिसीव करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक आपको इनकमिंग कॉल आते रहता है, वो साइलेंट मोड में हो जाता है। तो ये काफ़ी फीचर्स अच्छी लगती है और इस तरह से यहाँ पे प्रोफेशनल कॉल सेटिंग्स आप कर सकते हैं अपने मोटोरोला 850 अल्ट्रा में। वीडियोज आपको अच्छी लगी तो वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।